फिरोजाबाद के सिरसागंज में घरेलू सिलेंडर के फटने से अफरा तफरी मच गई। सिलेंडर के फटने से घर में रखे फ्रिज, टीवी आदि सामान भी जल गए। आग से हजारों रुपयों का नुकसान होने का अनुमान है। स्थानीय लोगों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। घटना सिरसागंज के मियां बाजार की है, जहां सत्यपाल एक किराए के मकान में रहता है। सोमवार को उसकी रसोई में दूध गर्म हो रहा था, तभी गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। कुछ समय के बाद सिलेंडर अचानक फट गया, जिससे घर में रखे फ्रिज, टीवी, सोफा आदि ने भी आग पकड़ ली और जल गए। स्थानीय लोगों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिरसागंज से हेक्स न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। क्या घटना हुई आपके यहाँ? कल हमारे यहाँ एक किराएदार रहते हैं सत्यपाल सिंह, पत्नी दूध गर्म कर रही थी, ठीक है, तो अचानक ही सिलेंडर में लीकेज हो रहा है और क्या आग लगी रेगुलेटर में। हम लोगों ने कोशिश करी बुझाने की, लेकिन वो नहीं बुझ पाई। हम लोगों सबको बाहर निकालने की कोशिश करी, बाहर निकलो सिलेंडर या फट जाएगा। बोरे फोरे इकट्ठे किए, जब तक इकट्ठे किए तब तक आग इतनी काबू हो गई थी, बेकाबू की कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर मैंने अपने दोस्तों को फोन किया है, मीडिया कर्मियों को सबको फोन किया जो मौके पे आए हैं। आके उन लोगों ने सब दमकल सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब को, एसओ साहब को फोन किया, दमकल कर्मी को फोन किया था, तब दमकल लेके आए और आस पड़ोस के सहायता से समर पंप समर वगैरह चलवा के एकदम पानी कंट्रोल करके आग को कंट्रोल पाया और सिलेंडर फिर फट गया था। इसमें गैस एजेंसी की आप लापरवाही माने हैं क्या? हाँ, गैस एजेंसी की लापरवाही। एक सिलेंडर, हमारे दो सिलेंडर आए थे एक दिन, एक लीकेज हो रहा था, वो भी हमारा बाहर रखा रहता है और जो होकर आया तुरंत बदल के वो देंगे। इस पे आप गैस कंपनी की लापरवाही है, गैस एजेंसी पे हम कार्रवाई करेंगे। गैस एजेंसी पे आप कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मौके पे कौन कौन से अधिकारी पहुंचे थे? मौके पे एसडीएम साहब आ गए थे और हमारे सीओ अजय चौहान मौके पे आ चुके थे, इंस्पेक्टर एसओ सिरसागंज आ चुके थे, अच्छा चेयरमैन भी आ गए थे। अच्छा, उनके द्वारा भी कोई सहायता राशि प्रदान की गई थी? कोई नहीं, लिख ले गए हैं। लेखपाल भी आ गए, लेखपाल लिख ले गए हैं। अब जो क्या हो, क्या मुआवजा मिलेगा, जो तो वही जाने।